أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. करबी से तशरीफ लाए हुए मेहमान खुसूसी और फिर लद्दाख के पार्लियामेंट्री कैंडिडेट लद्दाख डेमोक्रेटिक अलायंस के कैंडिडेट हाजी अनुभा साहब, फॉर्मर सीसी फिरोज खान साहब, एग्जीक्यूटिव काउंसिलर काशी फिरोज साहब, एग्जीक्यूटिव काउंसिलर जाकिर हुसैन और इनके हमरा आए हुए तीन काउंसिलर साहिबान, बीडीसी वर्कर्स और इस तेज रूप के सरजमीन में तशरीफ लाए हुए तेज रूप के आवाम, आप सब लोगों की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम सब जानते हैं कि आज हम सब यहाँ पे जमा होने का मकसद क्या है, हमारी विचार और हमारी लड़ाई का हम सब जानते हैं, इसीलिए आप सब लोगों को यहाँ पे तशरीफ लाने पर आप सब लोगों का बहुत मशहूर ममनून है। मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए प्रोग्राम का सिलसिला जारी करूंगा। सबसे पहले मैं वेलकम स्पीच के लिए ऑनरेबल फॉर्मर काउंसिलर आगा सईद अब्बास साहब से गुजारिश करते हैं कि वो डाइस पे आए और वेलकम स्पीच से मेहमानों का आवाज करिए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين। मोहतरम अजीज इत्तेहाद करगिली डीटीसी लद्दाख मेंबर पार्लियामेंट नती कैंडिडेट जनाब हाजी हनीफा जान साहब, एक्स एग्जीक्यूटिव काउंसलर जनाब काचो फेरोज साहब, एग्जीक्यूटिव काउंसलर जनाब फेरोज साहब, एग्जीक्यूटिव काउंसलर जनाब जाकिर साहब, काउंसलर जनाब सज्जाद साहब, आगा सईद रजा साहब, बाकी ज्ञानोक नती ब्लागे शर्मा चुनते बरादर सईद हसन, आगा सईद साहब दसन सिंह ऑनरेबल काउंसलर इसको वजना इतिहाद करगिली करगिल सुरक्षा मेम्बरान कुन तेसरो ब्लागे अल्ताफ शर्मा चुनते जवान कुन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सरपंच नंदना यंतन गांवी बहुत बहुत शुक्रिया की शॉर्ट नोटिस यंता जी के सिस्टर्स को वजना नता उनका दिक्कत की भी हो सर गोरे नता परमिशन को खबर बचो जैसे लकी गाड़ी अनाउंसमेंट को गोर बजे सो दी हिसाब आ गाड़ी अनाउंसमेंट को नता हो तो हिसाब बच के मैंने बचा उसको दसम संग नती मीन लंबर लय क्यों चलते हैं मतलब गाड़ी ट्रांसपोर्टेशन को लिहाज कर दू लेट छचल जैसे फांसी नता मी ना ले तो यहाँ गुजारिश को नती चल रहा परमिशन को लेट छचल जैसे लिहाजा इन शाह लर्चा जी लिहाजा जी स्नला प्रोग्राम जब मकसद मिजिन चिपाना नथा पूरा लद्दाख का एरिया कैंडिडेट खिला छोड़ से नेतो गांव गांव कैंडिडेट लर्चा से नेतो लिहाजा दिन खिला कोर कमिटीज दो फैसला ले कि हर बुला गानों पब्लिक गैदरिंग की जाकर दे गैदरिंग कैंडिडेट को खरा खर्चा मिलना अति तमन्ना उम्मत या डिमांड उम्मत कैंडिडेट को खरा है बड़ी वसूल रहे लेकिन ओवरऑल पूरा लद्दाख यूपी का हाजी साहेब टूर को ज्यादा से चुप या को कम ही होते दिन फिलहाल पहला अति जिल जाकर सुन अति ब्लाइंड पर निश्चितार बचा सको मता अलता कैंडिडेट मशहू मजर बात लिहाजा की इतिहाद को आवासन इस काउंसिलर ने इसको जनता गामा फून आवाज कर जनता गामा वाइस आवाज कर कि अस्या घाटी कैंडिडेट को जी कहते जिन जनता गामा जी यानी पुरजोश जुलूस यानी जी गैदरिंग पे हम जनता हिस्सा लेते जरे
दो गामा फूल का फसे गामा ये चला मत अनाउंसमेंट का नो सेट होते दो चार लिहाजा गोरबरी सुम अनाउंसमेंट पुला दो यंता पब्लिक के संग गुजारिश करने पब्लिक और गुजारिश करने दो मैटर बाबा के नो हिस्सा लेने में पियानो जान के मैं पिया दस क्वेश्चन करती बहुत बहुत जल्दी शुक्रिया लिहाजा सर मतंग गामा फा करी डिस्ट्रिक्ट से लगा के जो पार्लियामेंट सीट को गतुक से अच्छा ना खुदा लाला का शुक्र हर एक जरूरत में मतलब नती बुला के सहायता ना जिसकी के सहायता ना हम की चलते हैं चीखे के कैंडिडेट की चीखी से जरूरत हर एक इस गांव जरूरत जरूरत नहीं जरूरत मतलब हर राशि जबरदस्ती क्या मैं सूची में बसे लिहाजा इत्तेहाद प्लस से कंसेंसस है यानी कि कसम एंटर सर्वेशन कंसोर्सियम और आर नती इत्तेहाद एक करके लीडर इसका जनाब अलहाज अकबर कली करबलाई सर नंबर अली अखुन साहब भी कंसेंसस को वजन पूरा लगा के कंसेंसस को हाजी यानी ठीक है लिहाजा यरा मतलब वेलकम करे जरा मतलब मुबारक बाजी चले इंशाल्लाह दावत देना चाहता हूँ ऑनरेबल काउंसलर सज्जाद खान साहब को जो यहाँ पर आए और अपनी जाहिर ख्याल पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वकाल अलैहिस्सलाम मन अब्ता बिही अमलु लम युस्र बिही हसबा। सबसे पहला नस यंतन गामाला मुबारकबाद पेश कर कि दिरिंग नतीदी इत्तेहादी यूनिटी सदा पुरा लब्बैक जरे यंतन गामा दी किस्कियोत अमीर मोमिनीन क्या पुस कसल मोलेंदु नहजुल बुलागें गा सूची रंग अमल पुस रिया बखेरना खोखोरी हसब पुस दोन लिखों से मन यंचस में यानी गा सूची के अमल पुर सोपोतना को हसब इस जन लिखे चस में हसब को स्ट्रॉन्ग होते अमल को खराब होते इंसान दोन ले चस में जिर भी मतलब पूछी दिरिंग नन यरी दुल्ला दिस ऑफ कैंडिडेट ची जुक्स हो रब्बुल इज्जत इस नन यरंग दिस ऑफ मरहला ची की क्यों से तांस नतन गामी तमन्ना लिस वक्त या अल्लाह दिकरगिल पन एक सो मिलना या अल्लाह दिला दख पन एक सो मिलना क्योंकि दिजर्मो नन यरंग थों से दरे खास कर दी हालत पे यूटील दनर गैप ना हंगर स्ट्राइक बस अपेक्स के लिए इसका दुख से हंगर स्ट्राइक बस खासकर खास होना मौजूद इसलिए हंगर स्ट्राइक बस नति शर्मा सुनते गांव नति करगिल लदुख से अनशन बस लेकिन सुसा टिकन चिक मरनी है क्या टिकन मरनी है क्योंकि पावर है योथन खची का दू छोरे नो चु तन खूं फरे घर सचा से लेकिन दिरिन दी वक्त कुल से नने रे स्तने तंग में कि नति हैसियत चिगो नति वकार चिगो नति इज्जत चिगो इज्जत नफ्स चिगो अगर हाजी हनीफा जान नने यरी दोन लयों से उतना मीनी सवाल खची क्यों दुग नस बस नति ऑरेटर महमूद दिक नति ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसलर सनाजुक से दुना नन यरी उलमा को नाजुक से नन यरी हर दिल अजीज कैंडिडेट
हाजी हनीफा जान साहब मौजूद से हो, तो एक बंदे कमजर्फ तालिब इल्म हैसियत गलनस मेरी पॉइंट सी खची गिनती दुन लजगे चीज खची गिनती सोसाइटी दुल इंदु दुनिया आजाले बेंच गिनती दुन ल पॉइंट सी खची जक से गिनती जहमत तमाम इंशाल्लाह। तो सबसे पहला चीज नतेस हाजी हनीफा जान रिलेटेड नतेस फेरा का दुताना क्योंकि गा नेजुल बलागे कलाम पुंगा सी गिनती दुन ला जिक्र बस दे नेजुल बलागे कलाम पे अमर मोनी से कसम बोले दु इंसान दुन ल छना खुरी अमल हिसाब के चचा से इंसान ल कामयाबी थपना खुए अमल हिसाब के थप चसे बिन हाजी साहब कामयाबी थप से कति उतना दिन दी मकाम पे के लेत से उतना दे कामयाबी छन छन थपकनी चीज सिख में दे कामयाबी शुरू गत उस बस हाजी साहब इस खुरी स्ट्रगल सब बस एक पंच हैसियत का हाजी साहब इस खुरी जिंदगी शुरू बस सुन खुरी करियर को खुरी जर्नी एक पंच हैसियत का शुरू बस सुन देखना चाहे इस्लामिया स्कूल है नुगिन चाहे जेके एनसी नुगिन हर जगह पोजीशंस को कतवे के लू से खुरी मर्तबा कतवे के लू से मर्तबा ने के हैरान कुन दियो तो कि हाजी साहब लूस मलूस पर थे ने खेल सु गा इंसान चिक मर्तबा चिक थे ने खेलने चाहे खेल बात क्योंकि खोने चीशिक ने ओचिन खोने क्वालिटी ने ओचिन बजाते खुद हाजी साहब ना जुम से तकरीबन साल चिक हर चिक लेकिन दरे ठीक बस जुम से छह महीने सो दी छह महीने हाजी साहब मुआइना बना हाजी साहब ने सबसे पहला चीज दुख दयानतदारी सदाकत जोन तमाम इंदु ह्यूमिलिटी दुख सुने थुक ना और गोफाब जो से थुक इंदु दी क्वालिटी आसानी के मियोमर गा सुची चुप लीडर का तुलदा नहीं होतना नतां दरे लदाख पार्लियामेंट्री इलेक्शन एक पहला सों से नतां थों से खची गा स्पीडी के सोना देना स्पीडी के लोग से यों दुख दोन सख्ची सों से अगर कामयाबी ची इंग्लिश ही कहावत जी गयो स्लो सक्सेस बिल्ड्स कैरेक्टर फास्ट सक्सेस बिल्ड्स ईगो। अगर कामयाबी कोले कोले का तो थोबिन छना इंसानी शख्सियत पे निखार हो चल सो लेकिन अगर हुनमत न का तो कामयाबी थोपना नरंग मैंने यहां सो उम्मीद जथन इंसान इंसान लदे संभाय हो चल सो हाजी साहब की जिंदगी लगता ना हाजी साहब कामयाबी बिल्कुल कोले कोले का थोबिन सो सो पंच के शुरू बसे दिरिंग पार्लियामेंट्री इलेक्शन इंशाल्लाह उतराई चचा सिंह दुंगा तंग गामल मुबारक कि दिरिंग पूरा लद्दाख पूरा करगिल प्लेटफॉर्म चिकेयों से रनी गाट्स ऑफ मसाइल का तोड़ना रनी गाट्स ऑफ डिफरेंस का तोड़ना दे डिफरेंस कुन गामा साइड ले जाके नतंग गामा दिखे यों स्वी अंतंग गामा बहुत बहुत मुबारक। दुनिया में एक चीज नती जवान को नहीं होंदू ता हाजी साहब ही दरे केडीए ना नता केडीएस नती फोर पॉइंट एजेंडा पूरे लद्दाख दुन ले से या फिर पूरा नेशन दुन ले से नती लद्दाख की उमंग पूछी होत नती लद्दाख की डिमांड पूछी होत दे फोर पॉइंट एजेंडा पूरे नती केडीए यों से केडीए सुख सुख खान पे ना हाजी साहब भी बहुत खतरनाक रोल हो केडीए फाउंडर्स को ना हाजी साहब छाना एक आम शख्सियत चिक मिल नती जवान को नहीं चीश की ओंदु कि भाई जवान ला मौका मतामा सोशल मीडिया का हर जगह नती दिया गुंजाई चंदु जवान ला मौका मतामा ची बसे ठीक है नस नती जवान को ला यंती गुस्सा जायस यरिस फिराव जायस हो सकते यरिस अंक कौम में संबिक तांजुक तुक बेहतरी छोक समसे लेकिन मिथ चिक दियो अफसूस नते जिंदुक जवान ला मौका मतांस लेकिन हकीकत पुलता ना जवान ला मौका तांस हो दिरिंग ना यरी दुनला शायद सरमिक में दुख तुक एन अलुदा साहब सरमिक में दुख तुक चम से काउंसिल है यों से उतना काउंसिल है जवान सारा मौका तांस हो जवान ला हर लेवल ही मौका है लेकिन नतेस ता गोशिन की भाई गा सीट पे फिला गा जगह फिला नतेस फाइट बसे जवान ला पहला होम ग्राउंड एंड सेल गोस नति काउंसिल नति होम ग्राउंड एंड नति पंचायत नति होम ग्राउंड एंड होम ग्राउंड एंड से सर गिवन नेशनल लेवल के से चार गोस जब ला से नेशनल लेवल के क्षेत्र ना नाकामयाबी छ चसे और दोनों ना ने रे चार गोस की भाई गा कैंडिडेट पे का कंसेंसस दिलन दो गा कैंडिडेट पे सपोर्ट छ दो नेशनल लेवल के नतेस अगर प्लेयर ची का तो कल्ची नहीं देता तो फीस से कल्ची ना कल्चे में दे पहला दे प्लेयर पी ट्रेनिंग चार्गोस दे प्लेयर पी शिनाख चार्गोस तो दे होम ग्राउंड पु नती काउंसिल इन दे होम ग्राउंड पु नती पंचायत इन नती होम ग्राउंड इन नता मौका थोप सो दरे मंजूर साहब होत एनुलदा साहब होत पर्सनली नरंग होत अल्ताफ साहब होत सम सिग यूथ होत ना नती काउंसिल इन मौका तां से होत जवान कुन यंतिस ना बोस कि जवान ला मौका थोपे नो नति फॉर्म पे हमेशा जवान ला मौका थोप पर
डायरेक्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शन ही फिलहाल ना नहीं तुम लाइक बेहतरीन कैंडिडेट से क्यों सोच खासकर दी इलाके फिलहाल अगर ना सिरत आना हाजी साहब कोई आबाव अजदा टंगोल नहीं तो यंता दुआ फखर से पगोस यंती इलाके ने एक कैंडिडेट से यंती दोल लेवों से इंसु दे फिला बस शॉर्ट बस यंती टाइम मामू मलिन मा दरे हाजी साहब दी मरहले के कतो यों सोतना मेहरबानी नतन गामे फर्ज दरे इत्तेहादी फिला यों से शायद अंतान क्लियर सों से दुख तो जवान ना मौका थो बेनो दू एक मिथ चिकिन दू बस देता सोशल मीडिया फैलाई बगन ची शिकिन दे जवान को ला पैगाम इन मेहरबानी दुन ले ओशी रियल वर्ल्ड है ना बीन से रियल वर्ल्ड है ओशी यो से रंग ए कौम पे मफाद पे ला सिरत आशी रंग ए कौम फुल सपोर्ट बशी क्योंकि दरे गति कौम पे हालत पुंगता पता है उद्गार लेफ से गति आवास में यंथन चिक में जब तक इंगतंग मुत्तहिद सों से पार्लियामेंट है चिक कले में पा इंशाल्लाह देर से पार्लियामेंट है गति कल्चर से कल्चर ने पार्लियामेंट हिस्सा लिस أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ونعيم قال الله الحكيم في كتابه الكريم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا اللهم اجعل وليك الفرج والعافيه والناس واجعلنا من خير اعماله وانصاره والمستشهدين بين يديه اللهم ارزقنا رافته ورحمته ودعاه وخيره محترم عبد العزيز خوش قسمت خطي الراخي محبوب گامی سنگھ حضور سیتی متن گامی کینڈیڈیٹ جناب حاجی حنی فرجان صاحب ایگزیکٹو بنسر ڈاکٹر جعفر صاحب سابقہ ایگزیکٹو بنسر خان صاحب فیروز صاحب محترم ذاکر صاحب باقی کونسلر صاحبان محترم آقا اکبر صاحب آقا حسن صاحب باقی تمام بزرگان رامین پتار سمیو یعطا سامین عزیز گلن خدم اللہ سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ملتزمین از امر و رضون سے چند مرے گنتی بری احارید سچیں این حکم کو آئین کو دستور کو رہنما کو قرآن کریم نے قرآن کریم اس بار بار ہر جگہ ہر آیات ہر سورہ گامان تاکید کندران گاما مسلمان اتحاد سن اتحاد كل تعبير القرآن المتابع حبل الله ذلك واعتصموا بحبل الله خداي الرسيح انتوشيشي خداي الرسيح سوشخين نكتون خداي الرسيح تشتي لقلبنا دي لقطون الرسيح لازم ان شاء الله الرحمن مؤمنين مؤمنات شغبة دعابة پرهزگار و سنشابتا مؤمن مؤمنات علماء عابد کنی دعای نتیجه دکتو کی دیرین پہلی بار کرگین آنو دی دس سال ہندوستان سرزمین تکر چھنو پی واقعاتون رلے رلے شاید چھتے ہیں چھت شاید محسوس ہیں چھت نتنگار سبت نتنگار سچے ہیں چھت دو احساس سو سے دسانتی سجاد خان جحوز بہترین نتا ہدایت کا تن خرزمز کی قرآن قصر من عجیب میا و نواز ورکنی سلطن اللہ جبر ازبان تا مقیل دینار محفور مرحوم محفور و جبت الاسلام سید حیدر غزوی علی اللہ مقامہی چاپی دورہ منا
अपने तकनल लपुट से खुलकर अफेज दिन नसीब संखाने हमेशा अपनी जब पुजर बच्चे चिंता खरगरों पर इतिहास चंशे चिंता इतिहास चंशना ना चंशे कामने जोते ना चुकन बतियार है पहला शुरू आज बस्ते में तिकर गिने वाजिजी मरहून के अपने तकनल लसंग पर भी बोखरियों सोते कमांडर साहिब था पूरे इतिहास चंशना یقیناً ذات اقدس الهی رحمت شده بچین برکت شده بچین و انشاءالله و تا امید و کسید اتحاد تو با برکت شو و با سمرت شو و تا نامی عزیز کندیده تو پاهایی اکثریت نمیمونه کامیاب بود و کامیاب شو انشاءالله نس دی اتحاد تو شاید کرے کی کیا مدنظر مجھے پا خاص کر جوان نصر سجدہ جی تھا کچھ نظر مجھ کی جوان محروم سنت دلوا کھان سہین جوان محروم میں جوان میلان انتر سن جوان بیلار سوچیں اور انتا ہم دے 73-72 سنتائیس خیال نبی موشن نرار دی ساتھ پکا وٹھو بار دی ساتھ پکا لیدل دنمت دے منطق سے کلی دن انمانوں رنسوسی کوالیٹی کا دن نوزر خلپو دیانتاری کا دن نوزر بو ایمانتاری کا دن نوزر خلپو قربانی کا دن نوزر خلپو گرما پتا چل گرما محسوس ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة دائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين خداوند ذات اقدس الهي لا حمد و ثناء بس لجوتی کا محمد نعال محمد الدرو جاری بس لجوتی کا چند جملے منتظمین اس امر بانا اولا بزرگان کے متخل ملا بزرگان کن حضر سن ستان خصوصاً سچی صاحب وغیرہ باقی ردر رینی تعلن نویت گاو ملا تشکریت کی تمنا یتن عمر سکھ کرگل اتحاد سن شکر زر بپی الحمدللہ جی چیک من ایران لے اتحاد سن جو من ایری فرد بسمرین البتہ اتحاد تو صحیح کرنا لے رہا اللہ صرف اتحاد سنزر بے گا شکولت صلی اللہ جناب سجا صاحب سامس منی رہا کوشش باوشا ہر جگہ شاوشا و سغن احساس شاوشا کرگیر اتحاد تو منی رہا اللہ اگر سب چیز ضرورت یا ضرورت تو صلی اللہ تخفیت منی ری مستقبل مینہ اتنی ری جوان مینہ وی احساب چکنگا لیا لینو اتحاد ضرورت در با احساس دونتنا منی رید جی اتحاد کو اس تنی ہندوستان یا نو منی رید
लोकसभा यानी यानी चुनावी बस खानपुर क्षेत्र से मती गम मुखल पुजान बयान बात मता तो फिर सो इंशाल्लाह वनेरा ला उम्मीद जो अलबत्ता ये हकीर पर जाओ मिल में कि नामदार सिमेन फकत यानी रंगसी वाजिब इच्छा करी अन्ना दुआ बचो मिले वनेरा इंशाल्लाह उम्मीद जो दरगाह इलाही जी दुआ मुस्तजा शायद उम्मीद है इंशाल्लाह हर वक्त यानी वनेरी यानी इतिहास सोचें वनेरी तरबीरो यानी आगे सोच बैठे बच्चे तमन्ना यतीन बिस्मिल्लाह हमारा हर दिल अजीज कैंडिडेट हाजी हमीबा साहब हमारा ऑनरेबल चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर आत्म डॉक्टर जाफर साहब हमारे फॉर्मर चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर फरोसान साहब हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसिलर जाकिर साहब और शेर जमीन साहब आगा साहब और हमारे यहां के दो नौजवान ऑनरेबल काउंसलर्स एनुल हुदा और हाजी साहब और तहसील से और आगे पीछे के इलाके से जितने भी बुजुर्ग नौजवान और खवातीन को भी मैं बाहर देख रहा हूं जितने भी आप मुझे यहां पर तशरीफ लाए हैं आप सब उनका सलाम अलैकुम आज हम किस मकसद से यहां पे जाना है दोनों पर साथ पर साथ यदि मुहिम को सिर्फ जी का कैंडिडेट संगठन से मैंने कहा दिल्ली मुहिम को नतस्टिक नचिगा एहसास है चुकी थे कि नते कौन प्रकार जब से जब नते कौन को जर बना सिर्फ डिस्क कर दिया था ना पूरा लद्दाख जर नते का लद्दाख का जब से दो यंत्र का सारा सारा जब से यह हालात को थम मना नते डिस्ट्रिक्ट करगिल युद्ध की मेजर पॉलिटिकल पार्टी इसका नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस इसका जम से प्लेटफॉर्म के यौन से सरता से कॉमन कैंडिडेट चिकनी फैसला बस सारा जो भी कैंडिडेट चिकनी फैसला बस यहां सारा फैसला चुके मैं कभी लाही चली पा रहा गया अनशन बचना यंत्र सख्स कहते पूरे जिससे की कूना कूना नस्त है दराज का नतान से शकर चुतान सपक करगिल का नतान से मती दी सुर सपक जासकार सपक यौन सदे कजस हाजी अजहर अली का बुलाई साहब ना कमर अली अखंड साहब कि दी ओम पो दुल्ला खेचिन्ना यंतन इसका जिम्मेदारी यंतन इसका जो से संबंध से लेती बना मचा ला बेग जस कौन इसका जो से घर वाले कुर्बानी तंगर वशा न तंग से पूरा दूसरी करगिल प्लेटफॉर्म के थम्स दे नंबर जाने की तंग सी मजबूरी दारा योजना कौन सा इस ला बेग जस मती लीडरशिप नेस दोनों हाथी इदारा में कुल की फर्ज को निभाई चोसे तो जिम्मेदारी मत करो से आप सब जानते हैं कि आज इस खेमे में हम रात सब किस से जमा है काफी दिनों से पूरे क्षेत्र लद्दाख के अंदर पार्लियामेंट्री इलेक्शन के सिलसिले में हलचल हो रहा है उस दौरान पूरे करगिल को ही नहीं बल्कि खत्ते लद्दाख को मुत्तहिद करने के लिए
जिला करगिल के तमाम सियासी पार्टियों के जो लीडर्स हैं, उन्होंने एक तारीखी फैसला ये लिया कि हम इस बार लद्दाख की शिनाख्त और वजूद को बरकरार रखने के लिए लद्दाख पार्लियामेंट्री हलके में लद्दाख डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ से सिर्फ एक ही उम्मीदवार को नामजद करें। इस एक उम्मीदवार को नामजद करने के लिए जिला करगिल के अंदर जो बड़े सियासी पार्टी दो है, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस शामिल है, सबसे पहले उन दोनों सियासी पार्टियों की कुर्बानी रहा है। दोनों पार्टी की जो लीडरशिप है उनकी क्यादत में, उन दोनों की क्यादत में इन दोनों तंजीम ने एक बहुत बड़ी कुर्बानी दिया है, और उस कुर्बानी का नतीजा पूरे लद्दाख के अंदर हाजी साहब को नामजद करके आगे कर दिया, जिसके पीछे आज हमें फख्र महसूस हो रहा है। पूरे लद्दाख के अंदर, बिलखसूस करगिल के अंदर, आपके जितने भी मजहबी अदारे हैं, जिसमें इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट है, इस्लामिया स्कूल है, अंजुमन साहब जमान है, नूरबख्शा है, आले सुन्नत है, बाकी सारे मजहबी तंजीमों का हाजी साहब को योगदान मिला। इन सारे मजहबी तंजीमों और सियासी तंजीमों को आज मैं अपनी तरफ से सलाम पेश करता कि आप लोगों की योगदान की वजह से आज पूरा करगिल का कौम मुत्तहिद होकर खित्ते लद्दाख के सतह पर हाजी हनीफा जान को बहसियत आजाद उम्मीदवार मैदान में लाने में कामयाब हुआ। लेकिन मुत्तहिद होने के बावजूद आज आप और हम पे इतनी बोझ है, इतनी जिम्मेदारी आया है, मेरे हिसाब से ना आपके पास दिन में चैन होना चाहिए न रात को चैन होना चाहिए। आज एक एक वर्कर को, चाहे वो किसी भी मजहबी तंजीम या सियासी तंजीम से ताल्लुक रखता हो, आप सबको घर घर जाके इस इत्तेहाद के बारे में पैगाम पहुंचाना है, ताकि करगिल का सारा वोट 20 तारीख को हाजी साहब के हक में पड़े, और 4 तारीख को, जैसे कि हमारे साथी काउंसलर सज्जाद साहब ने आपको पहले जिक्र किया, 4 तारीख पूरे खित्ते लद्दाख के लिए ईद का दिन होगा, और इस ईद के दिन को देखने के लिए हमें अपना बेताबी और बेकरारी दिखाना है अमनी मैदान में जाकर। लिहाजा इन तंग नामा नी गुजारिश पजावी, खासकर जवान उल्ला घर घर इन तंग लखपर के मरगोशोदा घर घर इन तंग मलसच है, अगर मतंग कमजोरी का तो थोड़ा लेख इन तंग जवान उदय जगह सकपल लग पर गोशेन शर्बान न थूक इन तंग जवान न थूक इन तंग अमाबमोन न थूक करगिल दी इत्तेहाद के पैगाम को नंगा फिर शहर गुशेन और नचा पूरा उम्मीद और जो उम्मीद पुनेंबो करगिल इत्तेहाद पर से ग्रीन के मुकाम पे का पूरा खत्ते लद्दाख ले वाली के छों से। इस सब के साथ में डाइस पर दावत देना चाहूंगा आवास जगह साहब को कि वो यहाँ पर आए और अपनी जाहिर खयालात पेश करें और वक्त का खास ख्याल रखें। लद्दाख डेमोक्रेटिक अलायंस कैंडिडेट हाजी साहब, ऑनरेबल चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर डॉक्टर साहब, फॉर्मर सीईसी फिरोज साहब, एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स,
यूथ काउंसलर्स, यहाँ के वयू रवान, अस्सलाम वालेकुम। जवानों के ऊपर जो सराय पिन सजाद साहब रिमोट्स इलेक्शन इम्पोर्टेंस को नती एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स साहिबान फिरोज साहब ना जकी साहब रिमोट्स यदुना बाकी ची सराय यू पिन दोन बाकी ऑडिटर्स सुनिश यंती जगह जास यंती दोन लजास वहीं चिचिक दियां सिक्किप सोंग दोनों आज यंती दोन लजास भी बहुत जरूरी है। बेन और बेन अल्लाह मैंने रेस दिनों नती सी निकाल लापा जाक से संभव हो दी पिछले पांच साल यंग दी मौजूदा हुकूमत पोस मैंने अरा नाजना बर्दोस्तान समस्तान से वीडियो नी जरिए का सोशल मीडिया नी जरिए का मैंने अरी स्निया दफ़ पचोस ला स्पेरा पांच समस्तान से बहुत अच्छा 20 तारीख का देश फेरोनी बदला लें मी ताकत पो यंग मैंने अरी दी आईएम पोस मैंने अरी दुल्ला क्यों से इलेक्शन ही तोड़ कर जा सको 20 तारीख का देश फेरोनी जेत ना जेत 20 तारीख का प्राइम मिनिस्टर इन मिनिस्टर इन गंगमा आचार्य जा से गंगमी का पावर ले ले यंग दे पावर पो दी आईएम पोस दी कॉन्स्टिट्यूशन पोस मैंने अरी झोली आता से तयंते जान डिसाइड बस सुखी चीन सुचो चीन दी मुल्क की मुल्क पुष्टुल भी फिला अगले पांच साल फिला सु यंते स्पीन से पांच है फीस दिन है ती मुई चान फायदा मैं पिछले पांच साल यहां थोंते मैंने अरी स्नी उन्यां पार्लियामेंट यहां मैंने अरी दी खूबसूरत कौम पु करगिला गली गली से रे बदनाम बस भी दे यार मैंने अरी स्नी पे गुस्से तो मैं बहुत अच्छा 20 तारीख दे मैंने अरा बदला ले मीटाइम पु दिया ही पु मैंने अरा यहां तासे जेद मजे तेस पेरों मैंने अरी बाबरी मस्जिदी फैसला हालांकि जैसे कि सुप्रीम कोर्ट स्टांस फैसला तास लेकिन ते फैसले सु इस्तीफादा पासे डिबेट पासे मैंने अरी जशन पासे दी देशी अखिलियत कुनी सी कुनी का दफ अपन सुनला स्पेरा तांसी दी हुकूमत पुस मैंने अरा सब से खुश बस देश पेरों नहीं तुझो मैंने अरा तेरी बिल्डिंग ना हस्पताल ना रोड इलेक्शन मेन दी इलेक्शन को वाचस कौनसे इलेक्शन यहाँ देश पेरों से पब्लिक दुल्ला सोखानी मेन तो क्या पर छोड़ो वो डेवलपमेंटल और तरक्की की बातें ना नहीं रंग खोला मनुष्य पना रोड कुछ भी ना नहीं रिश्ता पुकारा छोट पना यूल पुकारा छोट पना रोड चीज़ इसीलिए ना नहीं रंग जितना योग ना दी रोड ना दी अस्पताल ना दी फैसिलिटीज को नहीं फायदा है मेन ना मेन अच्छे सिमोन निकालने की रिक्वेस्ट है गार्ड साहब मनी दी वॉइस पुले रही होता 20 तारीख का बटन दबाई बचाना बिल्किस बनी तू बस ना नहीं बहन ही नहीं जो बहन की तरह ही नहीं कोई हम बच्ची सों से इतना गाने आ रहे स्नीम पे आते गुस्से के तने देखो सौ 20 तारीख का स्थान सिख मेहरबानी और आखिरी स्पेरा देखा ना इजाजत ले ले खबरदार क्यों मसूम की हाजी साहब जाने में हाजी साहब फिर अमोट टांग रहे उन्होंने यहाँ जिंदा जब फिर अमोट टांग थी दुई तुम उस गाने रेस गंगमा डिफरेंस उनके नार जा से सुस्तम बता सो पे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस में कॉलेज चिक सोंग में सुस्तम बता सो चिक सोंग दे चाहे चिक मशाल फाइट मैंने चारा खोला मनुष मुखालिफ तरफ से यूपी पार्टी मैनिफेस्टो अंगने अरे कत्ले आर्ज से चिक सोंग से मैंने चारा खोला मैं लिहाजा जान से सो एक एक हमारा आप आज हनीफ जान एक एक हम में से आप एमपी बनने वाले हैं हाजी हनीफा जान साहब कैंडिडेट नहीं है मैंने रन कैंडिडेट हूं यंग एमपी ज्यादा बाहर लंग बने और अटल स्कूल स्पीकर स्कूल मामूल मेहरबानी 10 पस्ता गुजारिश है मुअद्दबाना गुजारिश है रेलर रेलवे चीफ एजेंट ने इलेक्शन एजेंट ने यंग भी वेट निभाचा कि ना फोन मिले ना लिसिया मेचुक ना नसुस नहीं मचुस देश में उन्होंने छोटे मेट कैंडिडेट चिच्ची की चाहत पलंगा ना रासा गामा एजेंट आया ना पॉलिटिकल पार्टी में ना इधारे में ना चाव में ना ट्रेशी में ना सुकुल चुवे ना अंजुमन चुवे गामा एजेंट गामा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ना था सब इस गली ने गली ने सोच से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट चो से राम सोचे भी फिलहाल गांव सोचे सोचिंग ना दो तुकला हाजी सारे फिलहाल वोट चो से
दीन अती इत्तेहाद को जिद जहद को कामयाब बचा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। खरीन पंगमा सफर सल रहती लास कुर फासियता दी दी आपको चस्को एता बहुत बहुत मशहूर मंदूज स्क्रिप्ट पर वशी रा दे चीज पर राना सासन ना तीन पर ली में जाता जिस की दिची इलेक्शन को वती खात सांग से अहमियत इज रखन को बता साथ असर ड्यू वती स्नल्ला नती जानो पार्लियामेंट इलेक्शन में हर लोग गेम ना पाछे सर दिची इलेक्शन को नस नस इलेक्शन में जानो ची फरक इज रखन को नतांग आमाद है दी लोग भी गैर नतांग थों से नतांग रियासत जम्मू कश्मीर ना अलग सोमवार करें थी नतीके ची ची मुसीबत नतांग से कमी है कभी ऊपर से यहाँ जरूर पूरा लगा रहेगा चाहे तो नतांग मुस्लिम योग बुद्धिस्ट योग क्रिश्चियन योग हिंदू योग संदर्भ गमी का बराबर की मुसीबत को नतीके फोन योग दो फोक पने थी नती लोग निस सुन न फला नती सीजन योग पिन गमी तमन्ना चीची योग पिन कि त्यार से का नतीज कर गिलो ना कैंडिडेट चिक नतीज ना भी मरुशी है 2019 में जो गलती नतीज का सोच से वो दोहराना नहीं चाहिए लेकिन उसके लिए सब कुर्बान देना था गंगवास रंगखस उसे जय का चाहे इदारा इन मजहबी इदारा इन चाहे सियासी इदारा इन चाहे सियासी शख्सियात इन चाहे पढ़े लिखे नौजवान इन गंगवास दो संभाता कि भाई दी इलेक्शन सब लोग संभव कि चिट्ठी भी मारो सीधे कर को लेकिन वाकई साथ साथ यंबो यंबो रा इंसान नी चाहता हो चाहे वो कोई बड़ी बात नहीं है थोड़ा मतलब जो हर इंसान का एक चाहत भी होता है लेकिन हर चीज जो हम चाहते हैं वो मिल भी नहीं सकता है थोड़ा मतलब जो चाहे उस वक्त हमको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है सोचना पड़ता है और कौन जो है सबसे आगे बीजेपी पर जैसी नेशन फर्स्ट लेकिन जैसा जैसी कौन बचाओ मेन बल्कि हम लोगों ने वो दिखा दिया कि नेशन फर्स्ट अभी सोना मतलब कि हम पहले अपने कौन को तरजीह देंगे बाद में हम लोग बाद में कोई हम किसी सियासी पार्टी में है या किसी मजहबी इदारे में है और न जाता सोना चीज जैसी हर मजहबी इदारा जितना हर तंजीम जितना हर सियासी तंजीम जितना गांव में इख्तलाफ की शख्स योची योची नती चुनसेरा यूल चाद मतन ग्रोपा निशू योजना दोने अखला योचे लेकिन नती गांव ही मसले भी ना गांवा चिक नता चार बशे फर मतो रहा चाहे दिची भी नती इलेक्शन पर दोनों नता सभा करना से क्षेत्र में नता सियासत या दुख एडमिनिस्ट्रेशन या दुख पर नता थो कि मामूली मामूली सी सी नती मी सी बात अखला बात भी बात रखा तिला से भी ना मामूली सारा सी खचना ना सहता मगर ना चमा मगर पोला सा जुचा में छुआ तो दसी लेकिन अगर भूल चुचा में छाने दियो नाते दसी इलेक्शन पर दोन रामी का नाता सलाखता सीन कि भाई नाता इतिहास छाना नती यूल पे नाता की सचिन नती यरा ची डिमांड चीन नाती सचिन बराबर छाना दसी की इलेक्शन पर चीन दर बना नाती सन नमो करे नाजेस कि दियो नाती शिनाख्त फैल मैंने यदि वजूद फैल मतलब तरकियाती मसलन गैस की डिमांड मैं नस्ल लगाते जरूर बस पीने में जरूर थी नास कर के लिए एयरपोर्ट चल नास दो जिला टनल थी तसा पता है तेरे पीने में थी नास इस अपने पीने से नहीं हुआ थी देना हुआ थी दरे दो जस्ट रहो चेंज चेंज अब दरे नास की वजूद को खतरा सो थोड़ा मस्त हो जाना नास की वजूद को नास की शिनाख को नास की स्टोर भी खतरा सो दो छाने का दो दरे नास तंग नमा नास की यहाँ नास की लीडरशिप ना नास की इदारा इन्ना गंगमस कुर्बानी तहां से वही उम्मीदवार से हाजी साहब ईशा कल्याण की दुल्बा क्यों से थोड़ा मसोर छान नस्ला लाजे जो नती वजूद न शिनाती है छान नता रेले रेले का फरज है कि नते जो संबरगोशिन के 20 साल या नरे नरा होता है थोड़ा मसोर जो कभी ये नहीं सोचना है कि हमने किसी और को वोट देना है हमने ये सोचना है कि मुझे अपने इज्जत को अपने विकार को बचाने के लिए नरेंद्र नरा वोटता मरुता देखा चीचा दोस्ता कि अरे जरी ना जंजोस को घर योजना घर दुख से योजना करगिल आयो ले आयो खचुल लायो देर जरा देर रे ना रे का वोट हम जान है पाओ नाता चीन वाजिन मेरे खाते दोस्त हम सुख तो की दिची ना था गर्मियों पर गमा चीची सोता वोट चीची फरक से दुख से योजना सब को एक लाज बाचो या को जम्मू सवार या सो दुख चुमें बल्कि नहीं हुई इलेक्शन नुकसान से नतीजे शुमार पीना दो बार से नतीजे अहमियत तांग से नतीजे नती वोटर नतीजे स्टेशन का लेफ्ट ऊपर हो चुके बाकी जीत इंशाल्लाह यकीनी है
लेकिन करगिल का इतिहास कौन चिक चिक सो मैं फल्ला बारी जी जी सर बोलते था सर्वा सर्वा बोल जीतना थोड़ा सा नहीं होना चाहिए 2500 वोट से हम लोग जीतते थे यानी जेटीएन 10000 वोट ले गया भी इसी की इंशाल्लाह उसका कम से कम मैं बोलता हूँ कम से कम उसका डबल होना चाहिए थोड़ा मतलब दो तभी मुमकिन है जब हम लोग सब एक नतंगामा रे ना रे खुशहाल से ना वोट ही कास्टिंग पे जाना था बिल्कुल नजर जा पड़ोस थोड़ा मतलब जो वोट कास्ट बिल्कुल किसी भी सूरत में वोट कास्ट है इलेक्शन इलेक्शन पांच छह इलेक्शन हमने लड़ा है लेकिन जो कैंडिडेट इलेक्शन के दिन मेहनत करता है अपने वोटर को स्टेशन पर पहुंचाता है अपना वोट कास्ट करता है वही कामयाब होता है मेरे संत मुहिम बना वोट लेकिन 10000 का तो अफला दुगना का तो हजार कुछ भी नहीं है लिहाजा एहतम मेहरबानी वैसे गंगा हो सकता है दो गिनती थी लसवा ने मुझे मेरा मुल्क तो 20 तारीख आस पास देगा लेकिन दे जा दे लसवाऊक हमारे बच्चे 20 तारीख मौत होती जाता बाकी यहाँ चीज ना किसी भी सूरत में चाहे भी करना थी पूरा सूर्य इलाका अब तो रंग दुम छपा मेहरबानी वैसे पोलिंग बूथ का नाथ मीन सबसे वैसे लेफ्ट ऊपर हो जाए थोड़ा मजबूत जो बाकी आती जरा जरा तरक्याती लस नाते से देखो सड़क पानी इस साल का इलेक्शन सड़क पानी का इलेक्शन नहीं है वो खुद बहुत होते जाएगा इंशाल्लाह रहमान उसके लिए सड़क पानी के लिए हमारा कौंसल है वो खुद बहुत आपके नुमाइंदा वो पहुंचाते जाएगा लेकिन नतीज हिंदुस्तान का बना नती शिनाख पुस्तान में भी ना नतीज दिलास को बचा बाकी सारे खुशकस्मती जिसकी कहता जिसकी चीज बना इस्लाम नदी का जाकिर साहब समझे फेरोज साहब समझे जहां से लिया सोचे लिया नशा रे नरे मजहबी दार चाहे थोड़ा एल बी ए गोलपाल से जमा खोला नशा देखो काफी मुतमिन हो आज के डेट में भी ले के अच्छे अच्छे लोग बोलते हैं भाई करगिल वाला जीते ले वाला जीते हमें कोई गरज मरज नहीं हमें वो बंदा चाहिए जहां पर आज जो है लद्दाख के अवाम सड़क पर क्यों है दरे लद्दाख है मीन नतीला पूरा लद्दाख ले करगिल ऊपर रोटी का मतलब अनशन भूख हड़ताल चिया संबद हो संबद हो चिया दुख चिया देख है दुख गांधी नतीस एम पी चो से 5-7 साल एम पी चो से नतीस पार्लियामेंट आता कोई फर्क नहीं मीन नती अवामी की डिमांड होती नगर दो अवान एवान ऐसा चुचा लेकिन बदकिस्मती से कोई खुरान साइड चेसो सो हम सुन दरे दे एम पी खुरान साइड चेसो अवाम खुरान साइड चेसा ना मजबूरन कोई जब सुनने वाला नहीं मिला कोई हमारे आवाज को जब पार्लियामेंट तक पहुंचाने वाला नहीं मिला तो मजबूरन नती लीडर इन्ना नती बुजुर्ग लीडर इन्ना सुन ना गंगमा सोना चुप जैसे एजुकेशनिस्ट ऑफ मीन 21 दिन हड़ताल लेकिन तब भी गवर्नमेंट टस्ट से मस्त मसूम इवन एक मामूली सेक्रेटरी यूटी का सोना मासूक के पास जाकर हमदर्दी नहीं दिखाया तब दूंगा मस्तन में मौका दे चीज अब वो सब दिखाने का हमारे पास एक मौका अभी आया है कि मैसेज जो रेफरेंडम जसीदा अंग्रेजियन जो भी गवर्नमेंट ने आज तक किया उसके खिलाफ हमने दिखाना है हुकूमत को और यही है बैलेट जो है ना वो बुलेट से भी पावरफुल है सोना मसू छाना दो मतलब मौका है उसी अगर खुदा ना खास्ता अगर खुदा ना खास्ता का तुम आता ध्यान का तुम आता गड़बड़ जिसे ना फिर तो जो इख्तदार में वो बोलेगा जिन में ना खींची सेक्शन लेते फाइल बरती चुपा आवाम में युद्ध फिर चुप थोड़ा मतलब कह रहा लिहाजा दो गांव वास्ता से हमने अपने नुमाइंदे को किसी भी सूरत में उनको जिताना है इंशाल्लाह जीतने के बाद ज्ञान ज्ञान में इंशाल्लाह रहमान हर इलाके मसला सुरुखरी मसला मसला वो हाजी साहब आप लोगों के सामने आपके आपके पास बैठ के मसाइल मसाइल हर सचिन चलो खुशकस्मती कौंसल पर नती हो बाकी छोटा मोटा लाज नती चियो मन नती कौंसल कौंसल पर नती पार्लियामेंट या एम पी एम नती कर छा हमको सोने पे सुहागा यानी नती हर मसाइल नती छोर से छोर मसला हर सचिन मती सुनते से सुनता मसला हर सचिन लिहाजा मेहरबानी अंतिस गैर से इलेक्शन पर जो मैंने मिलता था सुना सु मतलब बराबरी भी बचा खोखे पार्टी खोए पार्टी को फलान चीज मैंने मिलता था सांस जा समझे वोट तांचा की नस नरा नरा वोट तांचीन लिहाजा आखिरी अपील प्रयाम दे सचिन मेहरबानी यहाँ लस छना 20 तारीख लस छना मोश छना दे जा गंगमा फांस पोलिंग स्टेशन के यहाँ से फिर तो 6 बजे सफर से ना तेरा वोट पो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जितने भी नती
जिज्ञेस क्यों थे तरवेज बताने में अलग अलग उन पर रोशनी डाला। मैं सिर्फ दो तीन चीजें मैं बताना चाहता हूँ डेवलपमेंट का। मैं पहले डेवलपमेंट का थोड़ा सा ये करूँगा। कहते हैं कि बीजेपी वाले कहते हैं हम डेवलपमेंट कर रहे हैं या किया है। अब खुद जनता पहुंचा 5 साल हम पहुंची बस। मैंने 2-3 बार कहा है कि आप एक वाइट पेपर जारी करो, उसमें दिखा दो हमारे एक्स एमपी साहब ने क्या काम किया है या हमारे यूटी ने, यूटी आने के बाद हमारा क्या काम हुआ है। नापासी गवर्नमेंट चाहे एनसी गवर्नमेंट चाहे कांग्रेस गवर्नमेंट दरे करगिल इस तरह आने रहा। करगिल आज के दिन में 375 के आसपास स्कूल है। हमारे हाई स्कूलों का तादाद 48 से ज्यादा है। हायर सेकेंडरी स्कूलों की तादाद 18 से ज्यादा है। हमारे कॉलेज हमारे यहाँ पे डिग्री कॉलेज 4 है। मेडिकल सेंटर्स हमारे पास 175 है। हमारे कोई भी गांव नहीं है। 129 गांव में सिर्फ 2 गांव जहाँ पे हमारे इचुपांबर है वहां भी अगले साल रोड पहुंचने वाले हैं, और हमारे शुनछद एक जगह है वहां पे रोड पहुंचने वाला है। सब पे रोड पहुंचा हुआ है। बिजली कोई भी गांव नहीं है जहां पे बिजली नहीं है। आप खुद बताइए जो हमारे बस में था, और आप कुछ लोग जुजला टनल का डोंग रचाते हैं, आप खुद जानते हैं कि जुजला टनल कांग्रेस के दौर में सेंशन हुआ। काम तो करना, आज बीजेपी आया भी तो कुछ काम तो करते जाना है। अगर कोई बीजेपी के बगैर और कोई गवर्नमेंट आया वो उसको भी कुछ काम करना है। आप खुद देखिए लिया मेडिकल कॉलेज था करगिल्ला चीन न कहते, आप खुद जानते हैं क्या दिया क्या नहीं दिया। दर्शा दरे आप आके उस आदमी को आप खुद देख आपने खुद देखा कि गुरूर का सर नीचा होता है, प्राइड है दे फॉल देर। वो आदमी अभी देखा कि जिस आदमी ने करगिल को एक गली समझा था उसका आज क्या हाल है। आप खुद जानते हैं जिसको करगिल में कुछ नजर नहीं आता था, इलेक्शन 6.5 साल के बाद उसको करगिल याद आ गया कि करगिल में हमको कुछ चाहिए। खुदा की कसम में आपको ना कसम जयंती पहलगा में रोड को मैं कसम उठा के आपको बोलता हूँ कि कहीं भी मिनिस्ट्री में आपके पहलगाम रोड का कहीं भी कुछ नहीं था। मैंने जाके जब मैं एज ए सीसी में दिल्ली गया मैंने एक मेमोरेंडम में लिखा, मैं कसम खा के कहता हूँ बिल्कुल भी नहीं था आपके पहलगाम रोड का, कहीं भी कुछ भी नहीं था। आज कम से कम हमने उनको बोला है आप एक सर्वे करो, उसमें आप एक डीपीआर बना दो। वो इस साल शायद ये विजय वालों को वो सर्वे करने के लिए दे रहे, आपको बताने के लिए बहुत कुछ बता रहे हैं कि हमने ये किया पार्लियामेंट में उठाया क्या। पार्लियामेंट में तो क्या क्या नहीं उठाया उस आदमी ने। मुसलमान को बिल्कुल भी वो दुनिया से हिंदुस्तान के है नहीं बोला उन्होंने। हिंदुस्तान में मुसलमान और जहां तक हमारे बुद्धिस्ट भाइयों का सवाल है, आप खुद बोलिए जो आदमी आरएसएस का एजेंट हो उसको ना बुद्धिस्ट से वाबस्ता है ना आपके मुस्लिम से वाबस्ता है। उसको हिंदुस्तान में आप जानते हैं आज के डेट में आप हमारे आवा साहब और अभी हमारे फेरोज साहब कह रहे थे आप वोट पे ये अपना बटन दबा के अपना ये गुस्सा निकाल दो और वोट डालो। आज के दिन में दिन यता वोट तो हमें आपका जो हक है वो खतरे में है, आईन खतरे में। आज हिंदुस्तान के आईन खतरे में, आपके सेकुलर जो हिंदुस्तान है वो खतरे में। आज आप इस बार 400 पार बोलते हैं ना, उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं। आज के दिन में कहते हमने 370 को उठाया, आप कि हमने डेवलपमेंट किया या नहीं किया आप बोलते हैं, कभी नहीं बोलते हैं। 370 को उठाया, ये 35A को उठाया, ये उनको 35A या 370 उठाया तमिलनाडु वालों को क्या फर्क पड़ेगा। अच्छा आपके महाराष्ट्र वालों को यूपी को 370 से क्या लेना है, उनको रोजगार चाहिए। आज आपको बीजेपी वाले 5 किलो गरीबों को 5 किलो चावल देके उनका मुंह बंद करा रहे, इधर से अडानी अंबानी को एयरपोर्ट दे रहा है। वो गरीब से हमारे लोग गरीब से गरीबतर हो रहे, वो लोग अमीर से अमीरतर हो रहे। आज की डेट में आप जानते हैं कि हिंदुस्तान के जो 1,40,00,000,000 आबादी है उसमें पूरा उस आबादी का अभी 1% हमारे जो अमीर लोग है वो अमीर लोग उन सबको चलाते हैं।
उसमें कॉर्पोरेट सेक्टर ला बीजेपी द्वारा का तो सिर्फ कॉर्पोरेट सेक्टर उनको गुजरात के कॉर्पोरेट सेक्टर नजर आते और कहीं भी कुछ नहीं करते, सिर्फ उनका ये प्रोपेगेंडा वाला जो है। आज के दिन में उन्होंने फेसबुक पे आपके सोशल मीडिया पे आपके बाकी प्रोपेगेंडा करने के लिए लाखों करोड़ों अरबों ये खर्चा किया है और हमें कहते हैं कांग्रेस को कहता है किसी और को कहता है कि आप लोग गबला कर रहे हैं। गबला आज के दिन में देखो वो क्या आते इलेक्शन बॉन्ड में करोड़ों अरबों का गबला किया है हर जगह उनका जहां पे लोग है गबला किया है। मरबाज ये गवर्नमेंट उनका है तो उनका वो सामने नहीं आता। आज उनके लीडर देखो सब करप्शन में डूबा हुआ है मगर उनको इसलिए नजर नहीं आता है क्योंकि गवर्नमेंट ऊपर है तो वो सिर्फ अपोजिशन के जो लीडर है हमारे जो भी इंडिया ब्लॉक के लीडर है उनको पकड़ देकर आज आपका वोट एक एक वोट कीमती है। छह कीमती इंदर बना दरे का तो इलेक्शन से पूछ वो खुद बोलते हैं 400 पार सन्यता में आपको बता दूंगा एक तो आपका उसके बाद इलेक्शन नहीं होने वाला है। इलेक्शन छन वन मैन का इलेक्शन होगा नरेंद्र मोदी रहेगा बाकी कुछ कोई कुछ रहेगा नहीं। और हिंदुस्तान का जो सिकुलर फैब्रिक्स है हिंदुस्तान की एक बाग है उस बाग में अनेक फूल है वो उसको खत्म करके एक हिंदू राष्ट्र बनाने के उसमें है। आप लोगों को सबको ये देखना है आज बराए नाम देखिए आपके हिंदुस्तान के जो क्या बोलते हैं पार्लियामेंट में देखिए या हिंदू ये क्या होते उसके मिनिस्ट्री में देखिए आपके कुछ साल पहले कुछ एक दो मिनिस्टर जो बराए नाम मुसलमान होते थे वो उनको भी नहीं रखा उनको उससे भी जलन है। आज आपको हिंदू मुस्लिम में लड़ाने के लिए वो लोग को जोर लगा रहे बौद्ध और मुस्लिम में लड़ाने के जोर लगा रहे शिया और सुन्नी में लड़ाने के जोर रहा है उनका एक ही मकसद है अपने को वहां पे ये रखने के लिए। आज के दौर में सिर्फ मोदी को उन्होंने एक वो बना के पेश किया है कि मोदी है तो मुमकिन है मोदी है तो मुमकिन है इसलिए ये गड़बड़ सब जो कर रहे हैं ना आप लोग प्लीज ये ख्याल रखे कि आज के दिन में हम सबको ये सोच के चलना है ये वोट बहुत कीमती है ये हाजी हनीफा के लिए वोट नहीं है पूरे लद्दाख के लिए जो हमारे 4 पॉइंट एजेंडा है। एग्जीक्यूटिव काउंसलर जारे फेरोज साहब काचू फेरोज साहब एग्जीक्यूटिव काउंसलर जाकिर साहब और हमारे आज के इस जलसे के मकसद और इस जलसे के हदफ जिसकी बुनियाद पर हम यहाँ पे जमे हुए हैं हमारे अब्दुल अजीज नुमाइंदा जनाबे अलहाज हाजी मोहम्मद हनीफा जान साहब और जनाबे कौंसलर साहिबान बरादर अजीज आवाज सईद अब्बास नजरी साहब बाकी तमाम बुजुर्ग अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। سب
ਸੰਗੀਤ ਨਚਲ ਮਿਹਨਤ ਬਸੇਰਾ ਕਾਹੋ ਬਸੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਦਸ ਯਰਮ ਨਤੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰਕਿਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲਦਾਖ ਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਬਸੇ ਨਤੀ ਤੈਵਾਨ ਹੈ ਰੱਬ ਚੁਕੀ ਵਸਸ ਜੱਦ ਜਹਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਕੀ ਅੰਤਮ ਅਗ ਨਤੀ ਸ਼ਿਫਟ ਜੁਚ ਨਤੀ ਤਗਰੀਬ ਸੁਲਤਾਨ ਨਤੀ ਦਿਕਾ ਸੱਜਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਤੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਤੀ ਦਿਕਾ ਆਵਾ ਸੈਦ ਨਤੀ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਮਦੁਨ ਨਤੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਕਾਉਂਸਲਰ ਮਦੁਨ ਨਤੀ हमारे करगिल के हाँ माने नदी गयूर आवाम जे नदी गुलाम गयूर इंशाल्लाह ये घर घर जाकर आए थी बेवा बुले चीची इंशाल्लाह बाकी हम यति पे मामूल नबे इंशाल्लाह रहमान मचा सन्नी बसे मीन मेहनत बे और मचा उम्मीद आए नदी कंचुन सी मुश्किल हो हाँ चाहे कांग्रेस इन चाहे इन सी इन हाँ कंचुन सी मुश्किल हो मचा बराबर और हमारे पूरे खत्ते लद्दाख के वजूद का मसला है चाहे सिक्स रूल हो स्केट रूल हो यहाँ नहीं पार्लियामेंट्री सीट हो जो गंगमाती डिमांड में यानी जो अति डिमांड में जो अति वजूद के एक हिस्सा है यहाँ جون میں میں مطلب نماز جد جہد بار ہو سکے باقی یم یتا از چ دو نجی برادر عزیز آغا سے دعوت سموس کہ مختصرا یعنی توام چ یا تمام چیز نال تھا یا تارے کے وچ سکول لحاظ دو تناول بس سوچا باقی السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today. The only voice of Kargil Ladakh.